एक बार बताइए गुप्ता साहब, आप 5 साल में केंद्र की सरकार आतंकी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाई ये दावा कर रहे हैं, और 2 दिन पहले हुई घटना का उल्लेख भी कर रहे हैं, पर 30 साल तो लोकप्रिय सरकारें रही कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला जी से लेके जाने कौन कौन तक, तब आतंकी घटनाओं पर रोक लगी हुई थी। 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं मिलिटेंसी को रोक पाए? परसों का जो वाक्य हुआ आपके सामने और उससे पहले जम्मू सूबा के अंदर पिछले 2.5 साल से जिस ढंग से ये जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री एरिया था, जम्मू जम्मू मैं विभाग की बात कर रहा हूँ, जम्मू प्रांत की बात कर रहा हूँ कि आप रजौरी पूंछ या कठुआ उधमपुर पूरा एंटायर जो रीजन है मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुआ पिछले 2.5 साल से। इससे पहले जब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी वही बात क्या नहीं हुआ कभी? कोई वाकया नहीं हुआ गुप्ता साहब, की कई दलीलें हैं। रजनीश रेड्डी जी मेरे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति है। भाजपा के नेता दहाड़ते हुए जम्मू कश्मीर में बोलकर गए थे राज्य का दर्जा वापस करेंगे, हम ही करेंगे। अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने प्रस्ताव भी पारित कर लिया, उपराज्यपाल जी ने मोहर भी लगा दी। क्या कहती है रजनीश रेड्डी जी, हफ्ते 2 हफ्ते बस संसद का सत्र होना है, राज्य का दर्जा वापस आना है। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले उन 7ों शहीदों को नमन करना चाहूंगी जो शहीद हुए हैं कश्मीर में, उनके परिवार को सांत्वना देना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये नई सरकार बनने के बाद वारदात हुई है जिसकी मुझे लगता है इनको भी निंदा करनी चाहिए थी। रतनलाल गुप्ता जी की सरकार यहाँ बनी है तो कहीं अफसोस होता है कि आज भी ये वही राग अलाप रहे हैं जो पिछले 70 साल से ये लोग जम्मू कश्मीर में अलापते रहे हैं। इनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं है कि यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है और इनकी सरकार बनने के बाद हो रही है, इनको इस चीज का अफसोस नहीं है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार चुनाव हुए हैं, मतलब ये मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद चुनाव जो रहे वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इसमें इनका कोई क्रेडिट नहीं है कि एंटी के कारण चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। केंद्र सरकार ने किस तरीके से नकेल कसी है पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के टेररिस्टों पर, केंद्र सरकार ने किस तरीके से यहाँ डेमोक्रेसी को हक दिया है, लोगों को उनके वोटिंग राइट्स की महसूस हुए हैं कश्मीर में। इन्होंने कहा रियासत से यूपी का दर्जा दिया गया, मैं उसमें भी इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट गिनना चाहूंगी। अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर की दुर्दशा ना की होती, जम्मू कश्मीर को तबाही की कगार पर ना खड़ा किया होता, एनसी की सरकार में जो विस्थापन हुआ कश्मीर से ये ना किया होता तो मुझे लगता है ये यूपी ना होता, आज रियासत होती। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी ताकि यहाँ पर सब अमनो चैन बना सके और जो पिछले 5 साल में हम लोग देख ली रहे हैं। आप लोगों को, आपने हिमांशु जी खुद ही ये बात की कि इनके दौर में भी आतंक कितनी पीक पर था, आज ये बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं अपनी सरकारों को जो इन्होंने 30 साल 35 साल यहाँ राज किया। कहीं ना कहीं उस दौरान जम्मू कश्मीर की क्या दशा थी, जम्मू कश्मीर में आतंक कितना पीक पे था, लोगों के घरों में घुसकर चावलों के ड्रम्स में रखकर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, ये शायद वो समय भूल गए हैं मगर हम नहीं भूले। रतनलाल जी जम्मू से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि कश्मीर की भाषा को छोड़कर ये जम्मू के लोगों की भी बात करें, एक हिंदू होने के नाते ये आज खुलकर बोले कि इनके एनसी के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। आप बात कर रहे हैं स्टेटहुड की, मुझे लगता है कि अमित शाह जी और मोदी जी लगातार ये बात करते भी रहे हैं कि जब यहाँ माहौल सही होगा। अब आपके सामने 2 दिन पहले क्या वारदात हुई है, क्या ये जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि कल को कोई मौत होगी, टारगेट किलिंग होगी तो एनसी जिम्मेवार होगी? तो मुझे जहां तक लगता है कि केंद्र सरकार बहुत कुछ देखेगा, जम्मू कश्मीर में सिर्फ इनकी सरकार चलाने के लिए स्टेटहुड दी जाए और बाकी लोगों की जिंदगी को दांव पर रखा जाए, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम उठाने को तैयार होगी। तो रजनी सेठी जी तो